आते 20 वर्ष पहला गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन ना बे डब्बा सड़गावाया हता। आ गोझारी घटना में हाईकोर्ट समक्ष 59 लोगों ना मृत्यु अने 48 लोगों इजाग्रस्त होवानी हकीकत रजू कराई हती। परंतु आजे पण सहाय थी वंचित परिवारों बाकी सहाय नी गुहार लगावी रह्या छे। त्यारे अमदावाद ना वस्त्राल में रहता अरविंद कुमार चौरसिया ना परिवार ने सहाय न मळता तेमणे मुख्यमंत्री कार्यालय में आरटीआई करी 10 विगतो मांगी हती, जेमां चौंकावनारी विगतो सामे आवी। इसमें रेलवे विभाग की तरफ से एक लिस्ट मुझे भिजवाई गई है, जिसके अंदर उन्होंने 58 मरे लोग जल के मर गए थे ट्रेन के अंदर, उनको सहाय छुपाई गई है, जबकि गुजरात सरकार की तरफ से 52 लोगों को ही सहाय छुपाई गई है। उसी तरीके से घायलों की लिस्ट में रेलवे 7 लोगों को घायल बताती है, गुजरात सरकार 48 लोगों को घायल बताती है। जो कि बन्ने सरकारी विभागों होवा छता बन्ने विभागों पासे थी मळेली विगतों में भारे विसंगतता जोवा मळी। अगर गुजरात सरकार ये मानती है और ये कहती है कि उन बाकी के 6 लोगों का उनके पास नाम पता नहीं है, इसलिए उनको पैसा नहीं चुकाए गए, तो क्या वो रेलवे से संपर्क करके उन लोगों का, उन परिवारों का जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, उनको संपर्क करके उनको सहाय की रकम क्यों नहीं चुकाई गई। आ परिस्थिति में हवे चौरसिया परिवार ने अरविंद कुमार समग्र घटना अंगे तपास करवानी साथे परिवार ने जल्दी सहाय मळे तेवी मांग करी छे। मनोज के कार्या, दिव्य भास्कर, अमदावाद। शेयर एंड डाउनलोड करो दिव्य भास्कर ऐप।